हेलो फ्रेंड्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करे थे पिछले लेक्चर में। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 22 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं अल्फा और बीटा। तो आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट हों अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करना है जिसके रूट हों अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि यदि रूट दिए हों तो इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इसको अपन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम यहाँ से ला सकते हैं। अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपोन है, तो ये बनेगा माइनस 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता सी अपोन है, तो ये बनेगा मेरा 22 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा हो जाएगा माइनस 10 एंड देन प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको फर्दर अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर और ये 2 माइनस 10 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 8x देन प्लस 22 माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x और 22 प्लस 1 कितना हो गया, ये 23 में से गया 10, तो प्लस 13 इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ, इतना बड़ा आंसर लाने के बजाय आप कितने कम टाइम में इसको कर सकते हो देखिए। आपकी इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा और आपको जो इक्वेशन लानी है उसके रूट एक ज़्यादा है दोनों, तो आप इसमें उल्टा करो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक कम कर दो, पुट एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, बस आंसर आ जाएगा। यदि ये एक ज़्यादा बोले तो अपने को एक कम करना, यदि ये दो ज़्यादा बोले तो अपने को दो कम करना, और यदि ये एक कम बोले तो अपने को एक ज़्यादा करना, उल्टा करना। तब यहाँ पर मैं पुट करता हूँ एक्स की जगह एक्स माइनस 1, तो ये मेरा बनेगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 22 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करने पर यह बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 10x माइनस 10 प्लस 22 इक्वल टू 0। तो फाइनली ये मेरा बन जाता है एक्स स्क्वायर और ये 10x में से गया 2x, तो ये मेरा बना प्लस का 8x। और अब ये 22 प्लस 1, ये 23 में से गया ये 10, तो ये आपका आ गया प्लस 13 इक्वल टू 0। तो ये कितना सिंपल तरीके से आंसर आ गया, हमको कोई टाइम नहीं लगा इसके अंदर। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको सीखना है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि अल्फा और बीटा किसी एक इक्वेशन के रूट है और वो इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, तो ये चीज़ आपको फाइंड करना है। अब आपको अल्फा बीटा एलसीएम ले लें यहाँ पर चलेगा, तो ये मेरा बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूँ 16 माइनस ट्वाइस इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय
अल्फा बीटा यानी वही 5, तो फाइनली मेरा आंसर आता है 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, यानी फाइनली कितना बना 6 डिवाइडेड बाय 5। इज दैट क्लियर? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो इतना सिंपल नहीं है, उसमें आपको थोड़ा सा लोड लेना पड़ेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा एक इक्वेशन के रूट हैं और वो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। वही अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। इज दैट क्लियर? तो अब आपको वैल्यू निकालना है, जिस चीज़ का वैल्यू निकालना है वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ए अल्फा प्लस बी पावर माइनस टू प्लस ए बीटा प्लस बी पावर माइनस टू। इस पूरे एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू निकालना है और अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, राइट? अब यदि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अल्फा भी रख सकते हैं, बीटा भी रख सकते हैं। तो ये मेरा बनेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इन दोनों के अंदर अल्फा कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा अंदर, ए अल्फा प्लस बी, और इस सी को इधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस सी। तो इसी को हम लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी अपॉन अल्फा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली करके फिर मैं दोबारा मेहनत नहीं करके यहाँ पर लिख देता हूँ, सिमिलरली ए बीटा प्लस बी, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ बीटा रखेंगे तो ये आ जाएगा ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाय बीटा आ जाएगा। जैसे वो वाला रिजल्ट आया वैसे ये वाला रिजल्ट आ जाएगा जब आप अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, बीटा पुट करेंगे। अब हम ये चीज़ सॉल्व करते हैं जो हमको निकालना है, ए अल्फा प्लस बी पावर माइनस टू। तो ए अल्फा प्लस बी पावर माइनस टू प्लस ए बीटा प्लस बी पावर माइनस टू। अब ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू होगा माइनस सी अपॉन अल्फा होल स्क्वायर प्लस ए बीटा प्लस बी को लिख सकते हैं माइनस सी अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दो चीज़ करना है अपने को, पावर माइनस है ये, सॉरी यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब आपको यहाँ पर स्क्वायर भी करना है और रेसिप्रोकल भी करना है। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस वाला पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मेरा बनेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए अपॉन सी स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसे यहाँ छोड़ दें, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन दिया है और साथ में यह दिया है कि वन रूट इज 6 टाइम्स अदर। इसका जो एक रूट है वो दूसरे रूट का 6 टाइम्स है, देन फाइंड पी। तो पी का वैल्यू क्या होगा, बस इतना सा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक रूट मान लेते हैं अल्फा, दूसरा रूट इसका 6 टाइम्स है तो क्या मान लूँ मैं, 6 अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 6 अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो बी की जगह माइनस 14 है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, अपॉन ए की जगह कौन है, पी। तो ये मेरा बन गया 7 अल्फा इक्वल टू 14 बाय पी, 7 से कैंसिल होगा ये 2, तो ये मेरा अल्फा इक्वल टू बन गया 2 डिवाइडेड बाय। तो एक रिजल्ट मेरे को यहाँ से मिल गया अल्फा का। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और जानते हैं अपन,
कि अल्फा प्लस बीटा ये है, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू सिक्स अल्फा, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो मेरा बनता है 8 डिवाइडेड बाय पी, तो ये मेरा बनेगा 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 बाय पी, और अल्फा कितना है 2 बाई पी, तो ये हो जाएगा 6 इंटू अल्फा स्क्वायर यानी 4 बाय पी स्क्वायर हो गया है इक्वल टू 8 बाय पी। एक पी से एक पी ये कैंसिल हो गया, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, तो ये आ जाएगा मेरा 6 इक्वल टू 2 पी, तो पी इक्वल टू मेरा बना 3। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जो टफ तो नहीं होते हैं, बट ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इस तरह का करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है पी स्क्वायर इक्वल टू 5p-3 और क्यू स्क्वायर इक्वल टू दिया है 5q-3 और साथ में ये भी दिया है कि एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसके रूट हैं p और q। सॉरी जरा सा करेक्शन, इसके अंदर ये इक्वेशन, ये दो आपको रिलेशन दिए हुए हैं और आपको ये फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन, आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स हों पी अपॉन क्यू एंड क्यू अपॉन पी, बस इतना सा क्वेश्चन है। ये दो रूट है, इक्वेशन फाइंड करना और ये दो रिलेशन आपको दिए हुए हैं। नाउ अब एक चीज़ समझ लो कि फार्मूला ये होता है x² - sum of roots यानी कि p/q + q/p × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी p/q × q/p = 0। यही फार्मूला है, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, तो ये मेरा बनेगा x² - LCM क्या बनेगा pq, तो यहाँ पर बनेगा p² + q² × x + 1 = 0। अब यहाँ पर ये जो दो रिलेशन दिए हुए हैं इससे अपने को ये वैल्यू लाने का ट्राई करना है, कौन कौन से वैल्यू लाना है, एक तो अपने को p² + q² लाना है और एक pq लाना है। तो दो रिलेशन का मैं क्या करूँ, मैं एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ है ना क्या आता है, जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, दो ही मेरे पास ऑप्शन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देता हूँ जब तक वैल्यू आते हैं, तो मैं p² - q² सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 5 कॉमन ले लूँ तो p - q, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक आएगा p+q और दूसरा आएगा p - q इक्वल टू 5 टाइम्स है p - q, तो ये p - q से मेरा p - q कैंसिल, तो p+q मेरा आ गया 5। इज दैट क्लियर। अब मैं p² + q² दोनों तरफ का स्क्वायर कर देता हूँ +2pq = 5, कोई दिक्कत तो नहीं। अब p² + q² + 2pq = 5 ये रिजल्ट मेरे पास आ गया, तो pq भी नहीं है मेरे पास और p² + q² का वैल्यू भी नहीं है। अब इससे फ़ायदा कुछ होगा क्या, है ना, मैंने क्या करा था, अभी इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा था कि सब्ट्रैक्ट कर रहा था। अब एक बार ऐड करके देखते हैं कभी उससे कुछ मिल जाए, है ना। तो p² + q² = 5 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा p+q, माइनस क्या आ जाएगा 6, तो p² + q² = 5 × p+q, तो अपन निकाल चुके हैं 5, तो ये 5 × 5 - 6, तो फाइनली 19 आ गया, 5 × 5 = 25 - 6 = 19, तो ये वैल्यू आ गया p² + q² का 19 + 2pq = 5, तो ये 19 इधर जाएगा, तो ये फाइनली 2pq = क्या बना 5, सॉरी होल स्क्वायर करा था ना, तो ये 5 नहीं रहेगा, ये भी तो 25 हो जाएगा, तो 25 - 19 ये 25 है, तो फाइनली 25 - 19 तो 2pq = क्या बनेगा 6, तो ये pq = आ गया मेरा 3।
पी क्यू का वैल्यू भी आ गया 3 और इस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू भी आ गया मेरा 19, तब मेरी इक्वेशन बड़ी आसानी से बन जाएगी। तो आई होप आप इसे पूरा कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ें। थोड़ी सी थ्योरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्यूबिक इक्वेशन, है ना, कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन होती है। क्यूबिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ऐसा होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा, तो क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का सम होगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू होगा माइनस डी अपॉन ए। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखना चाहिए। तो ये तो हो गया मेरा फार्मूले क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड। कुछ और बातें हैं। अब इसमें उल्टा, यदि आपको कोई बोले कि अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं किसी क्यूबिक इक्वेशन के, तो आपको ये बताना है कि इक्वेशन क्या होगी, यदि ये रूट है तो इक्वेशन क्या होगी क्यूबिक इक्वेशन, ये हमको पता करना है। तो इसके लिए आपको तरीका बता देता हूँ। x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्वल टू जीरो, यदि ये तीनों रूट हैं तो क्यूबिक इक्वेशन ये बनेगी, ऐसा हम लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक और तरीका इसको लिखने का, x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू जीरो। बड़े कंफर्टेबली आप याद रख सकते हैं, सबसे पहले प्लस का साइन आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर ये जो तीन फार्मूले थे उसमें से पहला पार्ट यहाँ आ जाएगा, दूसरा वाला यहाँ आ जाएगा और तीसरा वाला यहाँ आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका, पर ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, इस तरह से लिख के सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है डेस्कार्ट्स रूल, किसी भी इक्वेशन के कितने पॉजिटिव रूट होंगे, डेस्कॉट्स रूल ऑफ साइन फॉर रूट्स ऐसा अपन बोल सकते हैं, कितने नेगेटिव रूट होंगे उसके लिए ये डेस्कॉट्स रूल लगाया जाता है। अब इस रूल को अपन कैसे समझेंगे वो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज करिए आपके पास एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन है 4 पावर वाला, x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। इससे रूट पता नहीं लगेंगे, केवल इतना रफ आइडियाज पता लग जाएगा इतना कि कितने पॉजिटिव रूट होंगे, कितने नेगेटिव रूट हो सकते हैं, कितने इमेजिनरी रूट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिर्फ इनके साइन लेना है, ये पॉजिटिव साइन, सेकंड वाला इसका नेगेटिव साइन, देन पॉजिटिव साइन, देन नेगेटिव साइन, देन पॉजिटिव साइन। अब पॉजिटिव से नेगेटिव एक चेंज आ रहा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव दूसरा चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव तीसरा चेंज और चौथा चेंज, यानी इनके अंदर आपको देखना कितनी जगह कंजुगेटिव साइन के अंदर चेंज आ रहा है। तो कितनी जगह चेंज आ रहा है, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम ऐसा बोलेंगे मैक्सिमम 4 पॉजिटिव रूट्स, यानी इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। 4 से ज़्यादा तो यूं भी रूट नहीं होंगे, इसका मतलब चारों के चारों रूट इसमें पॉजिटिव हो सकते हैं। अब इसके अंदर x जहाँ जाए वहाँ माइनस x पुट करोगे एक बार, तो ये आपका x पावर 4, जहाँ इवन पावर है वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जहाँ ऑड पावर है वहाँ साइन पलट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब, उसके बाद आएगा प्लस एक्स स्क्वायर,
फिर यहाँ साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑड पावर है, देन प्लस वन, इज दैट क्लियर। अब इसके अंदर आप फिर से साइन चेंज देखो तो यहाँ प्लस है, फिर यहाँ प्लस है, फिर ये प्लस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, यानी एक भी जगह साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो नेगेटिव रूट। मैक्सिमम भी क्या बोलेंगे, मैक्सिमम जीरो बोलो या नो नेगेटिव रूट, एक ही बात, देयर इज नो नेगेटिव रूट, यानी इस इक्वेशन में नेगेटिव रूट नहीं है, इज दैट क्लियर। अब अपन एक छोटा सा टेबल बना करके समझेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव रूट कितने हो सकते हैं, नेगेटिव रूट कितने हो सकते हैं, पॉजिटिव रूट, नेगेटिव रूट और इमेजिनरी रूट, इज दैट क्लियर। तो ये चीज़ समझ लो। अब इसमें यदि मैं पॉजिटिव रूट चारों के चारों ले लेता हूँ तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अच्छा एक चीज़ और, ये रूट के अंदर जो डिफरेंस है वो दो का रहता है ऑलवेज, यदि चार नहीं है पॉजिटिव रूट तो फिर कम में कितने होंगे, दो, नेगेटिव तो उन्होंने खुद ही बोला जीरो, तो बाकी दो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। इमेजिनरी रूट कभी 1, 3, 5 ऐसे नहीं होंगे, पेयर से ही चलते हैं, तो इसलिए 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, इस टाइप से। अब यदि मैं पॉजिटिव रूट मैक्सिमम चाह रहे तो मिनिमम जीरो भी ले सकता हूँ, नेगेटिव तो है नहीं, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। तो ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर, तो केवल पॉसिबिलिटीज पता करने के लिए डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन लगाया जाता है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर रूट्स ऑफ, ए बी सी एक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, जो इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 64x माइनस 14 इक्वल टू जीरो, ये दिया है, और आपको फाइंड करना है वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। ये पूरे एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू फाइंड करना, इज दैट क्लियर। नाउ अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि यदि ए बी सी इस इक्वेशन के रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो पहली इक्वेशन बनेगी मेरी ए क्यूब माइनस 64 ए माइनस 14 इक्वल टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन मेरी बनेगी बी क्यूब माइनस 64 बी माइनस 14 इक्वल टू जीरो, थर्ड इक्वेशन बनेगी मेरी सी क्यूब माइनस 64 सी माइनस 14 इक्वल टू जीरो। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, माइनस 64 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 42, तीन बार है ना 14, ये तो माइनस 42 इक्वल टू जीरो, तो ये मेरा बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 64 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, यहाँ से निकाल लो, अपना फार्मूला था ना ए प्लस बी प्लस सी, मैंने अभी भी लिखवा है, माइनस बी बाय ए, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पार्ट नहीं है, तो अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जीरो इंटू एक्स स्क्वायर है, तो माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो ही होता है, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, माइनस 42 इक्वल टू जीरो। तो फाइनली मुझे मिला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, किसके इक्वल आ गया, ये 42 के इक्वल आ गया, इज दैट क्लियर। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, वो अपन सॉल्व करेंगे। रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो आर कंजुगेटिव इंटीजर्स, इस इक्वेशन के रूट्स कंजुगेटिव इंटीजर्स है, देन फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए इसका थोड़ा सा अप्रोच में डिफरेंट तरह से बता रहा हूं। ये एक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो कंजुगेटिव इंटीजर्स है, तो आपको बताना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। अब वो रूट्स कंजुगेटिव इंटीजर है पर ये अपने को पता नहीं कि इंटीजर कौन कौन है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक ऐसी इक्वेशन लाने का ट्राई करता हूँ जिसके रूट्स कंजुगेटिव इंटीजर हो। सपोज करिए एक इंटीजर 2 और एक 3 हो गए ना कंजुगेटिव, अब रूट क्या होंगे, मतलब ये रूट है तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम 5x प्लस दोनों का प्रोडक्ट 6 इक्वल टू
जीरो। आपको क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये 25 माइनस फोर इंटू सिक्स 24, फाइनली कितना आ गया 1, तो आंसर आ तो गया 1। आपको लगेगा ऐसे कैसे हो गया, और एक एग्जांपल लेके देख लो, दो रूट जिनमें 1 का डिफरेंस है, एक 4 ले लो एक 5 ले लो, तो इक्वेशन बनेगी मेरी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू जीरो। फिर से डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो, बी स्क्वायर यानी कि 81 माइनस 4 इंटू ए सी यानी कि 20 हो गया, तो ये फिर से 1 आ गया। इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन में आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसको मेथड से करोगे, एक रूट अल्फ़ा है फिर एक अल्फ़ा प्लस 1, ऐसे फिर इक्वेशंस वगैरह बना के करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आई डोंट थिंक कि उसको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर ये दिया है एक्स एक रियल नंबर है, एक्स इज रियल नंबर, देन फाइंड द रेंज ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। एक्स एक रियल नंबर है और आपको बताना है कि इसका रेंज यानी इसका वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है, ये फाइंड करना। तो मैं काम करता हूँ, पहले इसको मैं वाई अज्यूम कर लेता हूँ जो मुझे एक्सप्रेशन दिया है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। अब यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को क्या मिलता है, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस 9 वाई इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाई माइनस एक्स प्लस 9 वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा माइनस 5y माइनस 1 प्लस 9y इक्वल टू जीरो, तो ये एग्जैक्टली स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है कि x रियल नंबर है और रियल नंबर x है, मतलब इस इक्वेशन के रूट रियल है, और रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये रियल रूट की कंडीशन होती है, इज दैट क्लियर। अब यहाँ b कौन है, माइनस 5y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह y है और c की जगह 9y है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन आके स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5y, दोनों माइनस हो तो अपन हटा के प्लस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10y माइनस 36y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके बाद के स्टेप में यहाँ पर लिख रहा हूँ, 25y स्क्वायर में से गया 36y स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस 11y स्क्वायर, इज दैट क्लियर, देन प्लस 10y देन प्लस 1 इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस भी हटा दोगे तो कंफर्टेबल रहोगे आप, तो आप इसको थ्रू आउट माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, 11y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पर इनइक्वेलिटी चेंज हो जाती है, साइन चेंज करते हो तो ये जो ग्रेटर का साइन है ना ये लेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको मैं बता देता हूँ, यदि 5 ग्रेटर है 3 से तो माइनस 5 लेसर होगा, माइनस 3 से दोनों तरफ माइनस अप्लाई करोगे इनइक्वेलिटी चेंज हो जाएगी। अब इसके फैक्टर करके देख लेते हैं अपन, 11y स्क्वायर माइनस 11y प्लस वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसमें कॉमन है 11y, तो अंदर आएगा वाई माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो। फिर से क्या कॉमन है, वाई माइनस 1, तो अंदर आएगा 11y प्लस 1, ये मेरा बनेगा लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ये वही आज जो मेथड आपको मैंने बताया था, नंबर लाइन वाला लगा लेते हैं, तो वाई का वैल्यू माइनस 1/11 एक आंसर आ रहा है, दूसरा आंसर आ रहा है 1, तो ये मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, यहाँ मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और यहाँ मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ये माइनस इनफाइनाइट ये प्लस इनफाइनाइट। अब यहाँ पर लेस देन जीरो है, मतलब मेरे को कैसे रिजल्ट्स चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव वाला ये रेंज है, तो माइनस 1/11 से लगा करके 1
क्लोज ब्रैकेट या हमारा इंटरवल आ गया, इस इंटरवल में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा लाई करेगा। आई होप दैट इज़ क्लियर। चलिए तो ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, सारी वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। इसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को बना पाएंगे। थैंक यू सो मच।